अभी प्रोटॉन सागा के अंदर R3 लिमिटेड एडिशन है, ये उसका एस वेरिएंट खड़ा हुआ है 1.3। तो ये वाला जो यूनिट है ना, इसकी वो कहते हैं लकी ड्रॉ होगा, लिमिटेड यूनिट्स आने हैं। इंजन सेम है गाड़ी का, लेकिन इनकी क्वालिटी जो अंदर से क्या कहते हैं सीटों की, और छोटी छोटी सी ट्रिम्स हैं वो बदले हुए हैं, कलर ग्रेडिंग डिफरेंट है, डुअल टोन बॉडी का कलर, डुअल टोन ही क्या कहते हैं अंदर से इंटीरियर की कोशिश की हुई है उन्होंने। बाकी गाड़ी आपस में बिल्कुल मिलती जुलती है, सिर्फ इधर जिस तरह के बम्पर लिप लगा हुआ है उस गाड़ी पे लिप नहीं लगा हुआ। उस गाड़ी का ब्लैक और वाइट में इंटीरियर है इसका, ब्लैक के साथ इन्होंने येलो में ट्रिम्स दिए हुए जगह जगह पे। गाड़ी के अंदर मुझे बस सिंपल सी एक चीज़ नहीं पसंद आई थी कि हमें आजकल के दौर के अंदर 2021 चल रहा है, तो हेडलाइट्स के अंदर हमें ना प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने चाहिए। लेकिन बात वही आ रही है कि जिस सेगमेंट की गाड़ी है उसमें तो कोई भी यह काम कर नहीं रहा, आप पाए नहीं रहते थे, पर आपने ये काम करना नहीं था। लेकिन चले, अच्छी चीज़ है। 15 का हमें यहाँ पर टायर मिल रहा है अलॉय रिम्स के साथ, अलॉय रिम की शेप काफ़ी मज़ेदार है। साइड पे ये देख सकते हैं तो ये सारी स्टिकरिंग है, नीचे साइड स्कर्ट लगी हुई है गाड़ी के, वो सारी स्टिकरिंग हुई हुई है, ये पेंट जॉब नहीं है। ये गाड़ी की सारी साइड प्रोफाइल है, डोर हैंडल्स बॉडी के साथ मैच हैं, ऊपर रेडियो का एंटीना है, ये बाहर स्टिकर लगा हुआ है R3 का। ये गाड़ी की बैक प्रोफाइल है, उस पर लिमिटेड एडिशन का एम्बलम है और साथ में R3 का टैग है। ट्रिपल लाइट्स मिल रही हैं, सिंपल बल्ब्स वाली लाइट है, कोई क्रिस्टल लाइट नहीं है गाड़ी की। गाड़ी के जो साइड मिरर है तो उसमें हमें क्या कहते हैं इंडिकेटर्स और साइड मिरर को उन्होंने येलो में उसकी टोन दी है, कलर जो है। इधर हमें प्रोटॉन के हेडलाइट्स के अंदर एम्बलम मिल जाता है कि ये प्रोटॉन की गाड़ी है, वैसे हमें जिस तरह पता नहीं लगना था ना। लेकिन चलो अच्छी बात है, उन्होंने कोई चीज़ अच्छी कॉपी की है। ये चीज़ BMW मर्सिडीज़ छोटी छोटी सी डिटेल्स वो अपनी गाड़ियों में देते हैं। गाड़ी के अंदर ये हमें प्लेन ब्लैक के अंदर ग्रिल इन्होंने दी हुई है रेडिएटर के आगे, इसके नीचे लिप लगा हुआ है गाड़ी का, और ये गाड़ी की फॉग लैंप्स हैं। बूट्स पे सेडान के लिहाज से बड़ा अच्छा है, मुझे लग रहा है, नज़र आ रहा है, अच्छी जगह है ये हमारा। माशाल्लाह ये सिटी के लेवल पे आ चुके हुए हैं कि लकड़ी का फट्टा, उसके नीचे डिग्गी बड़ी अच्छे तरीके से फिनिश हुई हुई है, साथ ही हमें स्टपनी मिल रही है और उसके साथ उसका जो थोड़े से टूल किट होती है वो अवेलेबल है। ये मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगी कि ये तार क्यों बाहर से आ रही है, तार सारी इस पैकिंग के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन चलो, ये तो डिस्प्ले यूनिट है, CB यूनिट है आगे, पाकिस्तानियों ने तो कुछ भी नहीं करना, हमने तो सोचना ही नहीं होता, हमने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, और वो भी बुरे तरीके से। ये नहीं कि अच्छा, यहाँ पर ये मैं देख सकता हूँ कि स्प्रिंग लगाए हुए इन्होंने, ये जो डिग्गी ये देखें, ये चीज़ ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी गाड़ियों की डिग्गी होती है इसे हम नीचे करते तो आके घिर जाती है, इन्होंने स्प्रिंग इसलिए लगाया हुआ है कि गाड़ी की डिग्गी यहाँ से आप छोड़ो तो ऑटो वापस चली जाए। अब गाड़ी की डिग्गी के अंदर हमें एक कैमरा मिल रहा है पीछे बैक साइड पे, हम गाड़ी के इंजन की तरफ आते हैं। तो उन्होंने गाड़ी के इंजन की टेक्नोलॉजी VVT ऊपर ही गाड़ी की असेंबली के हेड पे लिखी हुई है, जो कि प्लास्टिक का हेड है इसका। ये जिस तरह के फिर बात आई थी CB यूनिट है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी डिफरेंट है, गाड़ी की इंजन स्पेसिंग बड़ी अच्छी हुई है क्योंकि 1.3 लीटर इंजन है जो कि 95 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 125 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये एक सिंपल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कोई इसमें टर्बो चार्जर कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगी हुई गाड़ी में। और जब ये कहते हैं डिलीवरी के टाइम, तो वो उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि हमें ऐसी क्वालिटी मिले जो कि बहुत मुश्किल है। ये ड्राई बैटरी है, ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, ये इसका एयर फिल्टर है, ये इसके शावर का पानी है, ये इसका क्या कहते हैं रेडिएटर की बोतल है, वो पीछे इसका ब्रेक ऑयल की बोतल है। गाड़ी की आगे पीछे चारों तरफ से इंजन स्पेसिंग मुझे तो पसंद आई है। अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ हम चलते हैं। तो इंटीरियर की फर्स्ट लुक एक बड़ी जिसे कहते हैं शौक सी स्वैगी सी लुक देता है,
ये गाड़ी एक लिमिटेड एडिशन शो कर रही है कि यार मैं एक लिमिटेड एडिशन कार हूँ। और ये बात इधर मैं आपको करूँगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो इस तरह है कि हम गाड़ी के अंदर है, इन्होंने इसकी स्टिचिंग लेदर के अंदर दी है। लेदर पता नहीं कौन सा लेदर, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन सीट की स्पेसिंग कम है, हेडरूम क्वाइट सफिशेंट, स्टेयरिंग इसका मुझे पसंद इस तरह से आया है कि मैं ना मल्टीमीडिया स्टेयरिंग का बहुत बड़ा फ़ैन, और हमारे मुल्क के अंदर हम लोग सिंपल सी जो ये चीज़ है जो कि दुनिया में आज से 10 से 15 साल पहले आने लग गई थी, हम अभी तक नहीं दे रहे। अब गाड़ी की जो क्वालिटी है ना, वो सारा हार्ड प्लास्टिक है मलेशियन कार, लेकिन शो करती है कि जी मैं चाइनीज़ कार हूँ। फिर गाड़ी के अंदर अब ये ग्लॉस के जो एसी पे ट्रिम दिए गए हैं, ये ग्लॉस की क्वालिटी वो कोई प्रीमियम नहीं है, ये बस जिसे कहते हैं कि बी ग्रेड बंदा कह ले वैसी गाड़ी है। लेकिन गाड़ी की मीटर की लुक, फ्रंट लुक, गाड़ी की कलर ग्रेडिंग बड़ी अच्छी है, गाड़ी के बटन अच्छे हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्लोटिंग है, 6.5 इंचज 7 इंचज का कहते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और फ्लोटिंग डिस्प्ले का मैं कोई इतना खास फैन नहीं हूँ। ये इन्होंने लिमिटेड एडिशन कार है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। इसका जो इंजन है वो सेम है एस के साथ या इसके जो दूसरे वेरिएंट्स है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के ट्रिम में ये फ़र्क आता है कि जिस तरह के मैंने आपको बाहर वॉक अराउंड में दिखाया था कि गाड़ी के ऊपर स्टिकरिंग हुई हुई है, पेंट जॉब कुछ जगह पे है, और येलो की लाइनिंग है सारी, और अंदर डैशबोर्ड के अंदर उन्होंने ये आपको येलो ट्रिम्स क्या दिए हुए, जिसकी कोई खास ये बंदा के क्वालिटी नहीं है, लेकिन देखने में चीज़ बड़ी अच्छी है। अब जिस तरह हम गाड़ी की चीज़ों की क्वालिटी देखें तो बटन की क्वालिटी कोई खास नहीं है, हैंडल्स, डोर नॉब्स, लॉक्स, इनकी मैंने आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग दिखाई है, इधर ये सारी फेक स्टिचिंग है, ये सारा प्लास्टिक है। और गाड़ी वही बात आ जाती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अब मैं इस गाड़ी को इस बात से इस तरह डिफेंड करना पसंद करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस प्राइस कैटेगरी के अंदर हमें सिर्फ मिलती हैं हैचबैक्स, और हैचबैक की जो क्वालिटीज़ है वो आपने यूज़ की होंगी कि वो बंदा जैसे कि डाउनग्रेड से भी नीचे चली जाती है। और ये अगर हम उसके लिहाज से कंपेयर करें, वैगन आर, कल्टस, पिकांटो, तो ये बिल्कुल उससे मैच करती है इनकी, बल्कि उससे थोड़ी सी बेहतर ही है इसकी क्वालिटी। यहाँ पर भी हमें दो यूएसबी चार्जिंग की पोर्ट्स मिल रही हैं, ये हैंड ब्रेक है गाड़ी की, ये गियर नॉब है, गाड़ी की स्पेसिंग सही है, सीट मुझे, मैं थोड़ा सा जैसे कह ले मोटा हूँ तो मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, मुझे छोटी लगी है, लेकिन अपने लिहाज से सीट भी अच्छी है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। गाड़ी में हमें दो लाइट्स मिल रही हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमें गाड़ी के अंदर सबसे बढ़ के फिर हाइट एडजस्टमेंट मिल रही है सीट के अंदर, और सीट रिक्लाइन करने की ऑप्शन और आगे पीछे करने की ऑप्शन है, यानी कि हमें गाड़ी के अंदर 6-वे एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिल रही है ड्राइविंग साइड की। गाड़ी में पीछे 3 बंदे हसबेमूल बैठ सकते हैं, और बाकी जो गाड़ी की क्वालिटी है वो उस पर मैं इसलिए कुछ कहना पसंद नहीं करूँगा, ये सीबीयू यूनिट है, इसमें हमें मिरर्स मिल रहे हैं खाली, कोई लाइट नहीं है, लेकिन उस लिहाज से गाड़ी अपनी जगह पे बड़ी एक तरह की कंप्लीट कार है। बाकी दुआ ही हम कर सकते हैं कि हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है वही डिलीवर की जाए। ये सागा है और ये मैं हूँ, और मैं इसका रिव्यू निकाल रहा था जो कि अब ख़त्म होने में वाला है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये गाड़ी एक दफ़ा CKD यूनिट में बन के आ ले, और CKD बन के आ ले, और फिर उसके बाद हम देखें कि गाड़ी में क्या थोड़ी देर चले, एसी के साथ क्या परफॉर्मेंस है, माइलेज क्या आ रही है। तो ये आए तो इसमें सिर्फ जो इसके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इन्होंने फाइनली पाकिस्तानी कंपनी कोई जो इन्होंने अपना पाकिस्तान में आके शोरूम, डीलरशिप, असेंबलिंग प्लांट लगाया है, वो
रेट जो है हमारी बड़ी कंपेटिटिव प्राइसेस रखी हैं, और इन्होंने कंपीट कर रहे हैं हैचबैक इंडस्ट्री को। तो मुझे जहाँ तक बड़ी उम्मीद है इस गाड़ी पे, वो ये है कि ये सारी हैचबैक्स की मार्केट को हिलाएगी, उन्हें बड़ा टफ कंपटीशन देगी। क्योंकि अगर आप कल्टस या स्विफ्ट या वैगन आर या पिकांटो खरीदने लगेंगे, तो आप एक दफ़ा सोचेंगे कि बंदा एक दफ़ा कोई नई चीज़ ट्राई करे। और नई चीज़ हमारी लिहाज से, जिस तरह की हमें तो आदत है जो चीज़ मिल जाएगी हम यूज़ करते हैं, तो उस लिहाज से बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपको अपने हालातों वाकियात के साथ कहा बिल्कुल सही है, लेकिन जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं वो मैंने बताई हैं कि इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये मेरा रिव्यू ख़त्म होता है, बाकी इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।